में। आज यही वजह है कि आज इन मजदूरों के साथ विगत दो महीने से जो व्यवहार हुआ है, मुझे लगता है वो एक अमानवीय व्यवहार है। झारखंड इस देश का पहला राज्य है जिन्होंने अपने प्रवासी को लाने की वकालत की। कई एक बार वकालत करने के बाद, भारत सरकार से अनुमति मिलने के बाद, सबसे पहले हमारे राज्य में प्रवासी मजदूर हमारे आए। देश के पहले ट्रेन हमारी राज्य में, हमने हवाई जहाज से प्रवासियों को लाने की अनुमति मांगी। खैर वो तो मिला नहीं, लेकिन एक वक्त भारत सरकार ने हवाई परिचालन प्रारंभ कर दिया। ज्यों ही हवाई परिचालन पर प्रारंभ हुआ, हमारे मजदूर ऐसे ऐसे जगहों पर रहते थे जिनकी परिकल्पना हमने भी नहीं की थी। लेकिन जब हमने अपने नेटवर्क को, जैसे ही कोरोना का संक्रमण हुआ, हमने अपने राज्य में कंट्रोल रूम बनाया एक राज्य के अंदर की गतिविधियों को देखने के लिए, और वो एक दूसरे पूरे देश के विभिन्न राज्यों में अपने मजदूरों की गतिविधियों को देखने के लिए। और उन कंट्रोल रूम में 2400 घंटा 100-100 नौजवान कार्यरत थे। दिन रात लड़की लड़कियां पूरे देश की और राज्य के हमारे मजदूरों की समस्याओं को सुन रहे थे। हर एक राज्य के लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया और हम लोगों ने अपने मजदूरों को लाने का और यहां से जाने वाले मजदूरों को जाने की व्यवस्था की। इसी दौरान बड़ी कठिनाइयों के साथ लेह लद्दाख के कुछ मजदूरों को भी यह संदेश मिला कि झारखंड अपने प्रवासियों के को लाने में लगा हुआ है, झारखंड सरकार। तो उन लोगों ने एक एक प्रकार, चूंकि वो सीमावर्ती क्षेत्र है, डिफेंस का एरिया होने की वजह से वहां नेटवर्क की बहुत दिक्कतें होती है। नेटवर्क को छोड़िए, हवा पानी खाने की भी वहां दिक्कतें होती है। उन लोगों ने किसी तरीके से हमारे कंट्रोल रूम में संपर्क किया और हमारे कंट्रोल रूम में तुरंत उन लोगों को हाथों हाथ अपने सिस्टम के अंदर दाखिल कर लिया। तब यह सिलसिला शुरू हुआ लेह लद्दाख से लोगों को लाने का। अब लेह लद्दाख इतनी दूर में है कि वहां ट्रेन भी नहीं जा सकती, अब क्या किया जाए? तब उन लोगों के लिए हम लोगों ने हवाई जहाज की व्यवस्था, और हम लोगों ने उन मजदूरों को हवाई जहाज से पहला खेप 60 के संख्या में राज्य में लाया। और हमने जब उनसे पूछा कि वहां पर और भी लोग हैं क्या, तो उन्होंने हमें बताया कि हाँ, वहां बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो अलग अलग जगह काम करते हैं जहां संदेश नहीं पहुंचाया जा सकता है, बहुत मुश्किल होती है। हम लोग किसी तरीके से संपर्क हुआ, क्योंकि हम लोग निचले क्षेत्र में थे तो हम लोग संपर्क में आए, और उनका जिस तरीके से राज्य सरकार ने उनका स्वागत किया, जो व्यवस्था उसके लिए की, पूरा देश का ये खबर बना। और ये इतनी जोर से इसकी संदेश दूर तक गई कि जो लोग जंगल के उस पार भी, पहाड़ के उस पार भी काम करते थे, उन लोगों को भी ये खबर पहुंची। अब लगातार अभी मुझे आज एक नोडल ऑफिसर का खबर आया कि 82 लोग अभी लद्दाख के लोगों ने, लेह के लोगों ने संपर्क किया है, वो लोग भी आना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। यहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी उपस्थित हैं। मैं पीछे नहीं जाना चाहता कि पूर्व के वर्षों में किस तरीके से यहां पर मजदूर गए हैं, लेकिन अब मजदूरों के प्रति, चाहे वो राज्य के अंदर
कार्यरत मजदूर हो या राज्य से बाहर जा रहे मजदूर हो, उनके प्रति हम अब पूर्व से अधिक कड़ाई के साथ उनके लिए कानून को लागू करेंगे। और जो उनका वाजिब हक है और जो उनका मेहनत का असली हिस्सा है वो उसको मिलना चाहिए। अगर उन मजदूरों को उनका असली हक नहीं मिलेगा तो सरकार तुरंत बिना कोई सोचे समझे कार्रवाई करने से भी नहीं चुकेगी। आज बहुत सारे लोग जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, ये सिर्फ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्रों की ही बात नहीं, चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली में मजदूर जाते वहां भी कई तरीके से उनके ऊपर शोषण और अत्याचार होते रहे हैं जो लगातार खबरों में आती रहती है। बिचौलिया और दलालों का एक बड़ा संगठन उनके बड़े हक अधिकार को झपट लेता। आज मैं समझता हूं कई ऐसे विपत्तियां आती हैं, जैसे बिहार में बाढ़ आता है, कोरोना से जैसे संक्रमण आता है, आंधी आता है, तूफान आता है, आज इसी तरीके से आज इस कोरोना ने, इस महामारी में हमारे लिए एक अवसर ला के दिया है। और वो अवसर के रूप में इस राज्य के श्रमिक भाई, किसान भाई के प्रति हमारी सरकार की संवेदनाएं हैं कि आने वाला समय ये सरकार की सारी व्यवस्थाएं उन मजदूर और किसानों को मैं समर्पित करता हूं। मैं भी एक किसान और मजदूर का बेटा हूं। अब आने वाला समय में इस राज्य का कोई श्रमिक, कोई किसान, कोई मजदूर नहीं मरेगा, इसके लिए चाहे मुझे अपना जान क्यों नहीं देना पड़े। आज इसी संकल्प के साथ आज चूंकि ये आज हमने इस देश हित में अपना पहला कदम बढ़ाया है, मैं इस देश की व्यवस्था को और बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था को भी आप कहना चाहूंगा कि आप लोग भी इस राज्य के मजदूरों के साथ कदम से कदम मिला करके चलें। निश्चित रूप से हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। हर क्षेत्र में अभी वैसे भी सीमावर्ती क्षेत्र में तनाव है और ऐसे तनाव के समय में भी हमारे श्रमिक भाई देखिए किस तरीके से सीना चौड़ा होकर के जा रहे हैं। आज ये श्रमिक ही नहीं बल्कि ये देश के वो सिपाही हैं जो सिपाही अपना खून से सींच कर आपके सीमा को सुरक्षित कराने में लगा हुआ है। आज इसीलिए अगली खेप जब जाएगी तो हम पूर्ण रूप से अपने इस व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे और इस राज्य से जो भी मजदूर पलायन करेंगे सुरक्षित और निर्भीक होकर वो यहां से जाएंगे।